आज मैं करवाने जा रही हूँ पोटली मसाज। पोटली मसाज के बारे में आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता है, लेकिन जितना मैं जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ कि इट्स अ काइंड ऑफ आयुर्वेदिक मसाज जिसमें बहुत सारे नेचुरल हर्ब्स को इकट्ठा करके एक पोटली में बंद किया जाता है, उससे की जाती है आपकी बॉडी पर मसाज। वैसे इसके बहुत सारे और भी फायदे होते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, आपकी बैकएक का प्रॉब्लम हो तो वो खत्म हो जाता है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको बताएंगी हमारी खास एक्सपर्ट। तो कौन है वो एक्सपर्ट, सबसे पहले चलते हैं और उनसे मिलते हैं। आइए मेरे साथ। इनसे मिलिए, ये है डॉक्टर रश्मि जो यहाँ पर सीनियर कंसल्टेंट है, और ये बताएंगे कि पोटली मसाज के क्या क्या फायदे हो सकते हैं हमारी बॉडी पर। और इनसे मिलिए, ये है लता जो यहाँ पर सीनियर थेरेपिस्ट है। मुझे लगता है कि ये दोनों बिल्कुल रेडी हैं, तो मुझे भी रेडी हो जाना चाहिए। वैसे भी इस एटमॉस्फेयर को देख के आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू पोटली मसाज ऑन मी। नमिता से कंसल्टेशन के बाद हमने चूर्ण स्वेदनम, ये ट्रीटमेंट उनके लिए डिसाइड किया है, क्योंकि उनके नेक में पेन थी और स्टिफनेस थी। इन दिस ट्रीटमेंट फर्स्ट वी स्टार्ट विथ अ जेंटल हैंड मसाज, जो मैंने ऑयल इनके लिए सेलेक्ट किया है। द ऑयल इज़ कॉल्ड सहचरादि तैलम, ये मेडिकेटेड ऑयल है। और इससे पहले हम मसाज करेंगे हल्का वॉर्म ऑयल से। दिस ऑयल मसाज इज़ कॉल्ड पूर्वकर्मा, दैट मीन्स बिफोर मेन थेरेपी, दैट इज़ चूर्ण स्वेदनम। ये मसाज पूरी अगर पूरे बॉडी में पेन है, स्टिफनेस है, तो जनरली हम चूर्ण स्वेदनम सेलेक्ट करते हैं। पोटली मसाज दो तरह की होती है, चूर्ण स्वेदनम इज़ वन टाइप, पत्र पोटली स्वेदनम इज़ अ डिफरेंट टाइप। इस मसाज से इनकी मसल्स रिलीज़ होगी, जो स्टिफनेस है वो रिलीज़ होगी, जिससे इनको काफ़ी आराम मिलेगा, और जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है वो भी रिलीज़ होगी। अगर पूरी बॉडी पे किया जाए तो ये मसाज 45 मिनट टू 1 आवर तक का होता है। चूँकि ये लोकल ट्रीटमेंट हो रही है, तो विद इन हाफ एन आवर वी फिनिश इट। हाउ आर यू फीलिंग नमिता? ये मसाज का एक ये भी पर्पस होता है, जो भी पर्सन है उसको प्रेशर रिलीज़ करना, टेंशन रिलीज़ करना, थोड़ा कंफर्टेबल करना ट्रीटमेंट के लिए। अब ये 10-15 मिनट की मसाज हो गई है, तो नाउ वी स्टार्ट टू डू पोटली मसाज। ये पोटली है जिसमें हमने नेचुरल हर्ब्स का यूज़ किया है, जिसका नाम है जदा मियादी और कोट्टम चुकादी। पोटली में बहुत सारे हर्ब्स हैं, जैसे जदा मियादी, इनके लिए हमने जदा मियादी और कोट्टम चुकादी, इन दोनों का मिक्सचर लिया है। बहुत सारे हर्ब्स होते हैं, कोट्टम चुकादी इज़ अ रेडीमेड प्रोडक्ट बेसिकली, जदा मियादी इज़ ऑल्सो अ रेडीमेड प्रोडक्ट, जो कि बहुत सारे मिक्सचर से, बहुत सारे हर्ब मिक्सचर से मिलकर बना हुआ है। जो ऑयल हम यहाँ गर्म कर रहे हैं, जिसमें ये पोटली डिप करके जो मूवमेंट हो रही है, टैपिंग एंड रबिंग मूवमेंट हो रही है, इस ऑयल का नाम है मुरुवेन्ना एंड कर्पूरादि। इन दोनों ऑयल का मिक्सचर हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि इनके मसल्स को रिलीज़ करने में हेल्प करेगा। पोटली मसाज दो तरह की होती है, वन इज़ चूर्ण स्वेदनम, सेकेंड वन इज़ पत्र पोटली स्वेदनम। चूर्ण स्वेदनम में वी यूज़ ड्राई हर्बल पाउडर, जो मेडिकेटेड पाउडर होते हैं, पर्सन टू पर्सन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम वो हर्बल पाउडर का सिलेक्शन करते हैं और ऑयल का भी सिलेक्शन करते हैं। चूर्ण स्वेदनम भी अगेन दो तरह की होती है, वन इज़ ड्राई टाइप, वन इज़ वेट टाइप। ड्राई टाइप में हम बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं करते, वेट टाइप में हम बहुत थोड़ा ऑयल का यूज़ करते हैं। जो दूसरा टाइप है पोटली मसाज का, वो है पत्र पोटली स्वेदनम। इसमें फ्रेश लीव्स का यूज़ करते हैं, जैसे एरंड पत्र, निर्गुंडी पत्र, अर्क पत्र, इन सब लीव्स को स्पेशल तरीके से फ्राई करते हैं मेडिकेटेड ऑयल में, फिर उस फ्राइड आइटम में कुछ हर्बल पाउडर मिक्स करते हैं, उसकी पोटली बनाई जाती है, उस पोटली से मसाज किया जाता है। इस पोटली मसाज के फ़ायदे हैं, जो आर्थराइटिस रिलेटेड, पेन रिलेटेड या इन्फ्लेमेशन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब में इसका बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। हम जनरली स्टार्ट करते हैं ड्राई हर्बल पाउडर से। ये ट्रीटमेंट जनरली 1 से 3 दिन का होता है, जनरली वी रिकमेंड फॉर 3 डेज। जब भी आप पोटली मसाज लेने जाएँ, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि इस पोटली में जो ड्राई मेडिकेटेड पाउडर है, इसका सिलेक्शन, ऑयल का सिलेक्शन, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। 20-25 मिनट का सेशन पूरा हो चुका है, तो अब हम इस प्रोसीजर को ख़त्म करते हैं। विल वाइप ऑफ, अच्छे से वाइप ऑफ कर देंगे इनको। इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक बाथ आफ्टर 1 आवर। तो इस तरह से हमने चूर्ण स्वेदनम कंप्लीट कर लिया, हमने ऑयल भी वाइप ऑफ कर लिया है।
तो जब भी आपको पेन रिलेटेड स्वेलिंग या स्टिफनेस फील हो रही है तो आप आके चूर्ण स्वेदनम ले सकते हैं।